मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। अब मॉर्फोलॉजी मतलब ये होता है एक साइंस है जिसमें आप जो शेप है स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं और उसी पे हम इमेज प्रोसेसिंग करेंगे। तो ये जनरली जो है बाइनरी इमेज पे मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं। मैटलैब में आपको IM2BW इस तरीके से फंक्शन मिल जाएगा जिससे आप आराम से इमेज को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहता हूँ कि आपको काउंट निकालना है या शेप मेजर करना है 2D बाइनरी इमेज रीजन में, तो आप यहाँ पर इससे काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन, टिपिकल एप्लीकेशन ये है कि आपके पास जैसे कन्वेयर बेल्ट है, इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कैरेक्टर आपको पढ़ने हैं टेक्स्ट या मैप में, क्रोमोसोमल स्टडी है, फिंगरप्रिंट है, सर्किट बोर्ड है, ओवरहेड एरियल इमेजेस है, बहुत जगह इसका उपयोग होता है। अभी आप मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको और समझ में आएगा कि हम कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। आप भी कोई चीज़ और फील्ड सोच सकते हैं जहाँ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो आधारित है वो सेट थ्योरी कंसेप्ट पे आधारित है। और सेट अगर 2D हम बाइनरी इमेज की बात करें तो ए हमारा एक अनऑर्डर्ड सेट ऑफ पेयर है एक्स और वाई का। ए हमारे पास जो सेट है वो एक्स और वाई का है जिसमें एक्स और वाई सच दैट द इमेज वैल्यू एट एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ए जो इमेज वैल्यूज है एक्स वाई पे वो 1 है। यूनियन का मतलब ये होता है कि हमारा ए और बी दो अगर सेट है तो वैल्यूज ए को या बी को या दोनों को बिलोंग करती हो। इंटरसेक्शन मतलब उन सेट वो सेट और उन वैल्यूज का जो ए और बी दोनों को एक साथ बिलोंग करती हो। इज एन एलिमेंट ऑफ का मतलब ये है डब्ल्यू इज एन एलिमेंट ऑफ ए दैट इज डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स का साइन होता है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है वो सारे एलिमेंट जो ए में है ही नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है डब्ल्यू ये सेट वैल्यू कह सकते हो या सेट कह सकते हो। दिस डज नॉट बिलोंग टू ए, दिस इज द वैल्यू विच डज नॉट बिलोंग टू ए, को बिलोंग नहीं करती है। और डिफरेंस करेंगे अगर दो सेट का ए और बी का तो डिफरेंस किस तरीके करेंगे डब्ल्यू इस तरीके से कि डब्ल्यू ए को तो बिलोंग करता है लेकिन बी को बिलोंग नहीं करता, इसे हम डिफरेंस कहते हैं। सबसेट की बात करें तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए सब बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करने चाहिए। एम्प्टी सेट का मतलब इतना खालीपन है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं या उसको ये फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, सेट ऑपरेशंस में मान लीजिए ये ए है ये बी है, हमारे पास एक ए सेट है एक बी सेट है, ये एक्स वाई है जिसमें जो ऑल एलिमेंट एट एक्स एंड वाई इज अवर 1, इसमें भी ऐसा है कि ऑल एलिमेंट एट एक्स वाई इक्वल टू 1। तो हम ए और बी की बात बारे में बात करें, ये ए है बी है, चलिए लगाते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ये पूरा का पूरा शेड कर दोगे आप, क्यों? क्योंकि ये हर एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है या दोनों को बिलोंग कर रहा है। ये पोजिशन जो है वो दोनों को बिलोंग करने की। और ए इंटरसेक्शन का मतलब, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट केवल जो ए और बी दोनों को बिलोंग करते हैं, तो ये वाला उठा लेंगे हम। अब देखिएगा अब ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए तो ये हो गया, ए के अलावा कुछ भी पूरा बाहर का जो एरिया वो शेडेड हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ए और बी का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ए और बी को जोड़ दीजिए, बी की सारी वैल्यूज जो ए पे आ रही है वो सब हटा दीजिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए से हटा दीजिए, वही ए माइनस बी होता है। रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत आगे मैं यूज करने वाला हूँ। बी कैप मतलब होगा आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब ये है कि सारी जो वैल्यूज है उसको माइनस कर दिया आपने, देखिए माइनस बी हो गया और ये अपने माइनस बी पोजिशन पे चला गया। रिफ्लेक्शन अगर आप मिरर पे आपको आप देखते हैं कोई चीज़ को तो वो कैसे दिखाई देती है उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके बाद है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब ये है किसी एक जगह पे इसको किसी एक पोजिशन से किसी एक वैल्यू से उसको आगे बढ़ा दिया, ट्रांसलेट कर दिया, किसी और जगह पे पहुंचा दिया और वो जो वैल्यू है वो आपकी जेड है। तो ये बी कैप जहां बोलेंगे वो रिफ्लेक्शन आप समझिएगा, बी जेड जहां भी बोलेंगे उसको आप ट्रांसलेशन समझिएगा। तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की पहले बात कर लेते हैं। जैसे आपके जो इमेजेस में हम फिल्टरिंग कर रहे थे, फिल्टर लगा रहे थे अलग अलग, तो वो फिल्टर्स थे। अब यहाँ पर क्योंकि मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है तो इस पर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लगेंगे, इसे हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स कहेंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस वो डिफाइन होते हैं, दे आर डिफाइंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एक स्मॉल सेट है या सब इमेज भी हो सकती है जो हमारे स्ट्रक्चर को प्रोब करने के काम में आती है। जैसे हमारे पास ये है 2, 3, 4 अलग अलग टाइप के, इनको हमको स्क्वायर में या रेक्टेंगल में डालना पड़ता है क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं डालेंगे तो हम इमेज पे कैसे लगाएंगे इसको, इस तरीके से तो लगा नहीं सकते, ये कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, रेक्टेंगल या इसको स्क्वायर में डालना पड़ता है। इरोजन से शुरुआत करते हैं, ये आपका मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन है इरोजन। इरोजन का मतलब देखिए नाम क्या मतलब है, इरोजन
हटाना, चीजों को हटाना मतलब क्लियर ऑफ करना। मान लीजिए आपके पास कोई एक डब्बा है, बहुत दिनों से यूज नहीं किया, उसके ऊपर धूल जम गई, तो आप धूल को छाट रहे, उस धूल को छाटने का मतलब ही आपका इरोजन होता है। तो इरोजन को कैसे बताएंगे, इरोजन का मतलब ये होता है जेड, अगर ए और बी, ए आपके पास एक सेट है, बी आपके पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, तो ए और बी का इरोजन बताएंगे आप जेड, वो वैल्यू जेड जो, ये क्या चीज थी याद है आपको, दिस वॉज रिफ्लेक्शन, दिस वॉज नथिंग बट रिफ्लेक्शन, शिफ्टिंग है ये। तो रिफ्लेक्शन अगर आप इसका देखें तो दैट शुड बिलोंग्स टू ए, बी का जो रिफ्लेक्शन है, ये जो बी का रिफ्लेक्शन है देखिएगा आप, ये बी का क्या था, ये दिस वॉज सॉरी ट्रांसलेशन, तो ये ट्रांसलेशन, बी का जो ट्रांसलेशन है यहाँ पर, बी का ट्रांसलेशन शुड बिलोंग्स टू ए, तो हम वो सारे जेड को ले लेंगे। अभी मैं इसको एग्जांपल दूंगा तो आपको और समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, शिफ्ट बी को थोड़ा सा जेड से शिफ्ट कर देंगे, यानी ट्रांसलेट कर देंगे। अगर ये कम्प्लीटली है, दिस इफ जेड इफ इट इज कम्प्लीटली इनसाइड ए, अगर बी को हम जेड से शिफ्ट करें और वो ए में कम्प्लीटली आ रहा है, तो हम आउटपुट करेंगे वन को, अदरवाइज जीरो करेंगे। तो देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर क्या है, जीरो है, जीरो है, मैं इसको वन वन को डाल देता हूँ इसके ऊपर, ये कम्प्लीटली नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मुझे जीरो जीरो ही मिलेगा। ये जो है ना सेंटर पोजिशन, यहाँ पर जीरो रखूंगा मैं, ये जो डार्क से दिया हुआ ना, डार्क वाटर से, तो यहाँ कहीं भी करूँगा तो जीरो ही आएगा। लेकिन अब चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ, इस जगह पर ये वन है, ये जीरो है, इस पे मैं वन वन लगाता हूँ, और इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं अगर इस पे वन वन लगाऊंगा तो ये पूरा का पूरा आ नहीं रही है, ये अगर मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ इसकी, तो इट इज नॉट कम्प्लीटली इनसाइड ए, वन और जीरो, वन और वन पे आ नहीं रहा है, वन 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 और वन इस पे मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वन को हटा देंगे, इसको जीरो कर देंगे, तो यहाँ पर मैं करूँगा तो ये तो वन 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 ही आएगा, क्योंकि किसी के ऊपर भी रखूँगा तो वन वन ही आएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगेन इसी तरीके से इस तर्क से ये जीरो हो जाएगा, इस तर्क से ये जीरो बन जाएगा, आपको केवल ये लाइन मिलेगी। देखा आपने, इसको आप इरोड कर दिया, आपने इसको हटा दिया, ये इरोजन है। एग्जांपल देते हैं आपका, ये अगर आप इस पर लगाएंगे ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, तो देखिए आप जो ये वाली वैल्यूज है सारी इरोड हो जाएगी, मतलब जो कॉर्नर्स के रो और कॉलम है वो सब हट जाएंगे। अगर आप इस रेडियस का लगाएंगे तो ये सब कॉर्नर के हट जाएंगे। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पर ओरिजिन देंगे, देखिए सेंटर ओरिजिन जो प्लस है वो सेंटर ओरिजिन है, यहाँ से लगाएंगे तो आपको ये जो पोजिशन है ये सारी हट जाएगी, यहाँ के थोड़ा सा ये वाली सब चीज़ें बच जाएगी, जैसे यहाँ नहीं बच पाई थी। इरोजन मतलब क्लीनिंग होता है एक तरीके से, और समझिए इरोजन क्या करता है, ये जो होल्स हैं, इन होल्स को एक तो इरोजन लार्जेस्ट होल्स और होल्स को बढ़ा देता है, और होल्स बढ़ जाते हैं, और उनको जो एक्चुअल इमेजेस को थिन पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब बना देता है और थिन कर देता है। इसको कितना और थिन कर दिया, और कम्यूटेटिव नहीं है, ए को बी से लगाएंगे तो ए का बी से इरोजन करेंगे और बी का ए से इरोजन करेंगे, तो सही एक जैसा है, बिल्कुल सही नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास इमेज है, इसमें आपने 11 बाय 11, 15 बाय 15 और 45 बाय 45 आपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लगाया, और देखिए क्या हो गया, पूरा का पूरा साफ कर दिया 45 बाय 45 ने, इसे हम इरोजन कहते हैं। अब आते हैं डायलेशन पर। डायलेशन का मतलब ये होता है कि ए और बी है, आपके पास ए क्या है, सेट है, बी आपके पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अब बी ए पे अगर हम डायलेट करेंगे तो हमारे पास वो सेट आ जाएगा, वो एलिमेंट आएगा, उस एलिमेंट को लेना है जब बी का कैपिंग, अब याद है आपको मैं इसको क्या बोल रहा था, ये रिकॉल अगर हम करें तो बी कैपिंग का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन आएगा, इसका जो रिफ्लेक्शन है अगर इसका इंटरसेक्शन ए से किया जाए तो नल नहीं आना चाहिए, अगर नल नहीं आना चाहिए तो बस आप यहाँ से जेड ले लेंगे। अब इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको ये जो बी है ना, जो भी बी एलिमेंट आएगा इसको आपको रिफ्लेक्ट वो कर देना है, रिफ्लेक्ट कर देना है, यानी जैसे ओरिजिन ये था तो इसको रिफ्लेक्ट करेंगे बी कैपिंग, तो ये ओरिजिन अब ये आ जाएगा। इफ इट ओवरलैप्स विथ ए, अगर इससे ओवरलैप हो जाता है तो आउटपुट वन कर देंगे सेंटर पे, बी के सेंटर पे। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लेके जाऊँ और यहाँ रखूँ ऐसे वन और ये वन, ये क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है बस मैं यहाँ पर वन रख दूंगा। इस तरीके से यहाँ पर लेके आऊँ तो ये वन हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ लेके आऊँ तो यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ पर लेके आऊँ तो आपका ये हो रहा है तो वन आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये डायलेशन हो जाएगा। डायलेशन मतलब आपको ये वैल्यू ये इस ए पे रखना है, और अगर आपको ये इंटरसेक्शन इसका कुछ
दिस ये जो कैपिंग है इसका इंटरसेक्शन ए के साथ नॉट इक्वल टू 5 मिल रहा है, यानी आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल रहा है, तो बस आप एक पुट कर दीजिए यहाँ पे, यानी रिलेशन मतलब एडिशन ऑफ वैल्यूज होती है। एक और एग्जांपल देखिए, अगर ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इसका आप शिफ्टिंग करेंगे ओरिजिन का, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 1 1 1, रिफ्लेक्शन, बेसिकली रिफ्लेक्शन है। अभी ओरिजिन आ गई, अभी अगर इस पे लगाएंगे इस तरीके से, और ये 1 1 1 लगाएंगे, तो आपको ये इंटरसेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पर 1 रख देंगे, आप इधर पे आके यहाँ पर 1 रख देंगे, ऐसी बाकी वैल्यूज के साथ करेंगे, जहाँ भी आप रखेंगे, देखिए इस जगह पे ले आए तो आपका 1 1 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, इस जगह पे आपका 1 1 1 आ जाएगा। तो जो एक्चुअल वैल्यूज है वो तो आएंगी आएंगी, वो तो लिखी देनी है आपको, उसके साथ और जुड़ी भी वैल्यू मिल जाएंगी इसमें डायलेशन में। अगर डायलेशन आप करेंगे तो आपको ये देखिए, अगर इससे करेंगे तो आपको ये पूरे कॉर्नर्स की वैल्यू मिल जाएगी, इस पे करेंगे तो आपको राउंड वैल्यू मिल जाएगी, देखिए यहाँ पर लगाया हुआ है, और इस तरीके से करेंगे अगर ओरिजिन ये लेके मान के, तो आपको ये वैल्यूज भी मिल जाएगी। डायलेशन का और एग्जाम्पल देखिए, डायलेशन करता क्या है, ये होल्स को फिल कर देता है, और जो जो पार्ट्स हैं उनको और थिक कर देता है, देखिए कैसे थिक कर दिया इसने, यहाँ पर थिकनेस कर दिया इससे, और ऑब्जेक्ट को ग्रो कर देता है। जैसे सैंपल टेक्स्ट है, पुअर रेजोल्यूशन है, इसमें जो कैरेक्टर्स है वो ब्रोकन कैरेक्टर्स है, जिसको अगर आप थोड़ा सा देखेंगे लार्ज करके तो ये दिखाएगा। हमने ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 1 1 1 1 जो सेंटर में जो है इनको लगा दिया, जैसे हमने इसको लगाया हमने देखा, अरे वाह हमारा तो ये सारा का सारा डायलेट हो गया, सब मिल गया, अब आराम से साफ क्लीन दिख रहा, पढ़ने में आ रहा है। अगर आप मैटलैब में करना चाहेंगे इसको, तो STREL स्ट्रक्चर एलिमेंट, STREL, जैसे स्क्वायर लेना चाहते हैं, डिस्क लेना चाहते हैं, जो भी आप स्ट्रक्चर एलिमेंट लेना चाहते हैं ले लीजिए, और IM डायलेट से डायलेशन कर लीजिए, IM इरोड से इरोड कर लीजिए। ओपनिंग की बात करते हैं, ओपनिंग का और एक ओपनिंग भी आएगी, एक क्लोजिंग भी आएगी। ओपनिंग का मतलब ये होता है, पहले आप इरोजन करिए, ये इरोजन कर दीजिए, ये ओरिजिन हो गया, उसके बाद आप इसका डायलेशन कर लीजिए। तो जो एलिमेंट है वो आप दोनों सेम लेंगे, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दोनों में ही, इसको मैं पढ़ूँ तो इट इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ट्रांसलेट्स ऑफ बी दैट फिट इन टू ए, यानी कि आपका सारा यूनियन, देखिए बाहर यूनियन लगा दिया इसमें, ये बाहर यूनियन लगा दिया, दिस इज यूनियन ऑफ ऑल ट्रांसलेट्स ऑफ बी, जो बी है उसके वो सारे ट्रांसलेशन, जेड से ट्रांसलेट किया इसको, जो सारे के सारे ए में फिट हो रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप यू लगाएंगे, द ओपनिंग ऑफ द डार्क दिस डार्क ब्लू स्क्वायर बाय डिस्क, ये डिस्क अगर लगाएंगे तो आपको ये इस तरीके से एक एरिया मिल जाएगा। मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ आपको। अगर आपके पास एक बी डिस्क है, दिस इज बी डिस्क, ये बी है आपके पास एक डिस्क है, इट्स अ डिस्क, द बाउंड्री ऑफ द ओपनिंग इज द पॉइंट्स इन बी दैट रीच द फार्देस्ट इनटू ए एज बी इज रोल्ड इनसाइड ए। अब इसको आप रोल करिए, यहाँ पूरा रोल कर दीजिए, रोल करने पर जो ये, क्योंकि इस पिक्चर एलिमेंट सेंटर, ये सेंटर है, यहाँ पर आएगी, सारे सेंटर के पॉइंट लिख दीजिए, जब आप बनाएंगे इसको तो ये सारा का सारा जो है आपका शेड हो जाएगा, क्योंकि ये इससे आगे नहीं पहुँच पा रहा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया नहीं पहुँच पा रहा, तो ये के लिए ये वाला एरिया आपका ओपनिंग हो जाएगी। तो आपने क्या किया कि पहले इसकी फर्स्ट ऑपरेशन किया और उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन किया, फर्स्ट ऑपरेशन इसका हुआ था आपका इरोजन फिर डायलेशन। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें क्लोजिंग में क्या होता है, पहले आप डायलेशन करते हैं फिर इरोजन करते हैं, डायलेशन फॉलोड बाय इरोजन। इसमें क्या करेंगे, टेक द यूनियन ऑफ ऑल द ट्रांसलेट्स ऑफ बी दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ए, द क्लोजिंग इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट। ठीक, आपका जो क्लोजिंग है उसका ओपनिंग का कॉम्प्लीमेंट देख लीजिए, यहाँ से आप यू जब जाएंगे यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे तो ये तो हो गई होगा, साथ में आपको ये भी मिल जाएगा। देखिएगा इसका एग्जाम्पल मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, आप जो इधर से आएंगे ना यू करके, तो इसके इसको रोल कर दीजिए पूरे इसमें, ये कोई बी डिस्क मान लीजिए और हम क्या करते हैं बी को आउटसाइड है इस, यहाँ पर रोल कराते हैं ऐसे करके, इसे रोल कराते हैं, द बाउंड्री ऑफ द क्लोजिंग इज द पॉइंट ऑफ बी दैट जस्ट टच ए, जो ए को टच कर रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये इतना ही टच कर पा रहा है, यहाँ तो टच नहीं कर रहा है, तो बस ये सारे तो आएंगे आएंगे, यहाँ पर ये राउंड हो जाएगा, इसे हम क्लोजिंग कहते हैं। अब जैसे ओपनिंग हमने लगाया यहाँ पर,
एक देखिए इस पे स्ट्रक्चर एलिमेंट चलाया, ओपनिंग लगा दिया, तो ओपनिंग से क्या हुआ कि इसने इसको एक तरीके से पहले क्या किया, इसने इरोड कर दिया, और इरोड करने के बाद इसका इसको डायलेशन कर दिया। ये देखिए बढ़ गया, डायलेशन हो गया। तो ये इस तरीके से आपका ओपनिंग रिजल्ट आएगा। और क्लोजिंग की जगह करेंगे तो क्लोजिंग जब इस पर लगाएंगे तो पहले तो इसने इसको क्या किया, डायलेट कर दिया, ये रिजल्ट आएगा। डायलेट के बाद इसको इरोड कर दिया तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग ये दोनों एक दूसरे के डुअल है, यानी ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट या बी का ये कैपिंग ले लेंगे, क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट बी की कैपिंग है। प्रॉपर्टीज इसकी है कि ए और बी डॉट बी ये सबसेट है ए का, और ए सबसेट है ए डॉट बी का। और ए वंस एन इमेज हैज बिन ओपन और क्लोज द री एप्लीकेशन ऑफ द सेम ऑपरेशन हैज नो इफेक्ट। एक बार आपने ये काम कर दिया ना ओपनिंग और क्लोजिंग का, दोबारा करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। अब ये हमारे पास एक नॉइजी इमेज है, एक देखिए कितनी नॉइस है यहाँ पर, है ना, ये देखिए इसके बीच में भी नॉइस है। अब हमने क्या किया, ये बी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लिया हमने, ठीक, ये हमारे पास बी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, और ये जो है इरोडेड इमेज है, ओके, ये हमारे इरोडेड इमेज है, ये आपका ओपनिंग ऑफ ए है, ये आपका ये ए माइनस लगाए तो ये आपका इरोडेड इमेज हो गया, ये इरोडेड इमेज हो गया। अब यहां से आप यहां पर जाएंगे, देखिए इरोडेड के बाद आपने क्या किया, डायलेशन, तो ये डायलेशन हो गया, डायलेशन ऑफ हो गया, ये आपकी क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग ऑफ द ओपनिंग, ये आपकी डायलेशन ऑफ द ओपनिंग हो गई। तो अब जब ये सारा हमने जो एप्लीकेशन लगाई, चाहे आप उसको अगर ना भी समझ में आ रहा हो तो इतना समझिएगा कि क्लोजिंग ओपनिंग इरोजन डायलेशन ये लगाने पर हम एक सीक्वेंस में आपको एक अपनी जो इमेज है वो क्लियर मिल सकती है। तो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन जो है वो बाइनरी इमेजेस में हम अमूमन लगाते हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं, और ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एक स्मॉल सब इमेज होती है ताकि स्ट्रक्चर को प्रूव किया जा सके।